एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बस अभी जो दोपहर का 1 बज रहा है, तो अभी मैं आप लोगों से बात करने का टाइम मिला है, क्योंकि आज मम्मी दवाई लेने के लिए गए हैं, अभी तक आए नहीं है। तो मैंने सोचा था हेयर वॉश कर लूँगी आज, तो इसी वजह से लंच भी जल्दी जल्दी से बना लिया मैंने। पर क्या है कि अक्षिता की वजह से मैंने सोचा कहीं रोने ना लग जाए, और हेयर वॉश में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से फिर मैंने हेयर वॉश नहीं किया, ऐसे ही फटाफट से नहा के आ गई। और जो मैंने लंच में बनाया है उसकी वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी, तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। और ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देख रहे हो, ये मम्मी ने यहाँ पर, ये देखो बड़ा काफ़ी मोटा मोटा काटा है। ये धनिया है और ये लहसुन है, लहसुन की पत्तियां हैं, तो इनको छांव में सुखाना है, जो कि मम्मी ने यहाँ पे अंदर ही रूम के अंदर ही सुखाया हुआ है, इसको धूप में नहीं सुखाना। अभी इसमें मम्मी बोल रहे थे कि पुदीना भी ऐड करूँगी, फिर इसको पीस के एक डिब्बे में भर के रख लेंगे, जैसे नमक वगैरह, नमक बन जाएगा ये, इसमें नमक ऐड कर लेंगे तो नमक बन जाएगा ये। तो चलिए आप जाइए, और मैंने लंच में क्या बनाया है उसकी वीडियो देख के आइए, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज, ये है कटहल की सब्जी जो कि मम्मी ने कट कर दी है, आज वो कटहल बनेगा। और ये है लहसुन प्याज और अदरक, वो भी मम्मी ने कट करके रख दिया है, बस मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल को जो है पकने के लिए मैंने रख दिया है, क्योंकि मैं जो कटहल है आज, वैसे तो हम ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन आज हम फ्राई करके बनाएंगे। तो जो ऑयल है देखिए वो अच्छे से पक गया है, धुआं निकल रहा है। अब मैं इसमें कटहल डाल दूंगी, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कटहल को अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है, तो छींटे भी आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारा का सारा कटहल एक बार में डाल दूंगी, तो थोड़ा ही था, बहुत ज्यादा नहीं बना रही। और साथ में मसाला जो है वो भी ग्राइंड कर लूँगी, इंजर का कटहल पकेगा। मेरा कमेंट बॉक्स में बताना कि किसको कटहल की जो सब्जी है वो अच्छी लगती है। अब हम कटहल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, आज बस ऐसे ही मन करेगा चलो फ्राई करके बना लेती हूँ, क्योंकि अच्छी तरह से हो गई थी। तो अगर जा भी होती तो मैं फटाफट से ऐसे ही बना लेती, बस ऐसे मैंने सोचा तो चलिए सो गई है तो अच्छे से फ्राई करके ही बना लेते हैं। ये देखो, मैंने सोचा था सो रही है, मैं जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ, ये यहाँ उठे लेते हैं भाई, उठ के लेती हैं ये, तो ये नहीं जोती मम्मा के बिना, बेटा नहीं, ये मम्मा के बिना नहीं जोती। मैं इसको यहाँ लेटा के गई थी, मैं यहाँ पे इसको लेटा के गई थी अक्षिता को, कि ये छो जाएगी और मम्मा सब्जी बालेगी, लेकिन नहीं, इन्होंने तो उठना है, चोई चोई नहीं करनी, भाई के साथ नहीं लेटते। तो देखिए यहाँ से जो कटहल का कलर है वो हल्का हल्का सा चेंज होना जो है स्टार्ट हो गया है, बस इसको थोड़ी देर मैं और फ्राई करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो जी यहाँ पे जो कटहल है वो अच्छे से फ्राई हो गया, बस इससे ज़्यादा मैं कटहल को फ्राई नहीं करूँगी। और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ अलग से बाउल में। जिस ऑयल में हमने कटहल को फ्राई किया था, हम सेम ही ऑयल में सब्जी को भी फ्राई सब्जी भी बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ज़ीरा डाल लिया है, और अब इसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था प्याज लहसुन और अदरक का, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, और इसके बाद इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक हमारा मसाला जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, हमने तब तक इसको फ्राई करना है। ये देख लो, आपको अक्षिता की भी आवाज़ आ रही होगी छन छन के पीछे से। देर हमारा मसाला जो है फ्राई होगा, मैं यहाँ पर जो टमाटर हैं वो भी कट कर लूँगी। अब हमने मसाला है जो हमारा, उसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है, और इतनी देर मसाला हमारा भुन के तैयार होगा। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, और उन्हें मोटा मोटा ही कट कर लिया था, क्योंकि इसको मैंने मिक्सी में ही ग्राइंड करना था, इसी वजह से मोटा मोटा कट कर लिया था। और हम टमाटर को अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ पे मैंने जो पलटा है वो चेंज कर लिया था, क्योंकि वो छोटे वाला पलटा था, उससे तेल के जो छींटे हैं वो हाथ पर लग रहे थे, इसी वजह से मैंने बड़े वाला पलटा ले लिया, उस छोटे वाले पलटे को हटा दिया था। बस अब हम अच्छे से मसाले को भून लेंगे।
और यहाँ देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें नमक, थोड़ा धनिया पाउडर, ये जो रेगुलर मिर्ची जो हम यूज़ करते हैं वो, थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ी देगी मिर्च होती है कलर के लिए, मैंने वो यूज़ की है इसमें, डाल लेंगे और अच्छे से सारे मसालों को हम भून लेंगे। और जैसे ही मसाले हमारे भून जाएं, साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी, जो हमने 2 टमाटर पीस लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब हमने टमाटर को तब तक पकाना है जब तक हमारे मसाले में से जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। जैसे ही हमारे टमाटर पक जाएंगे, जो मसाले में ऑयल है वो हमें सेपरेट होता हुआ दिखेगा। इट मीन्स हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑयल है मसालों से वो अलग हो गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटहल, और कटहल को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी जो है ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसे ढक के छोड़ दूंगी और अच्छी तरह नहलाऊंगी और बीच बीच में भी सब्जी चेक करती रहूंगी ताकि नीचे ना लगे। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से अच्छी तरह नहलाने के बाद। बोलो गाइज, मैंने नाई नाई कर ली है और मैं तावल पे लेती हूँ और अभी मैं निन्नी करूंगी, छोई छोई कर लूंगी मैं। मम्मा मुझे छोई छोई करा देंगे भाई। हाँ, नोनी नोने कपले डाल के मैं अब क्या करूंगी, निन्नी कर लूंगी। तो चलो अब हम निन्नी करने के बाद मिलेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ, कब मिलेंगे? निन्नी करने के बाद। कैसे बोलो जरा, बोलो जरा, हंस के दिखा दो छोटे छोटे लिप से। ये तोते 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 लिप से हंस के दिखा दो भाई। लात कौन मारता है मम्मा के? कौन मारता है लात? ऐसे तो नहीं लात मारता नहीं। चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं हम आप लोगों से, है ना? हाँ, चलो अक्षिता ने भी बोल दिया, अब तो थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी सब्जी है वो बनके तैयार हो गई है। गाइस आप लोगों को मैं अक्षिता से मिलवाती हूँ, अभी ना टीवी बंद करना बेटा, थोड़ा सा क्या पूरा ही बंद करना। ये रही हमारी अक्षिता नाई नाई करके, न्यू न्यू फोक डाल के मैं लेती हूँ। मम्मा मम्मा, आज तो एक सेकंड बेटा, आज तो मैंने ज्वेलरी भी डाल ली है। नहीं नहीं, अपनी मैंने आज न्यू न्यू ज्वेलरी भी डाली। कोई बात नहीं सुनता। तो भाई सुनाओ अपनी बात, अब सुनेंगे। हाँ, ये बताओ हम दोनों का आप इक्वल प्यार करते हैं या फिर सेम ना अलग अलग? मैं अक्षिता को ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर इसको कितना करते हो, इसको कितना करते हो, इसको कितना परसेंट करते हो 1000 में से? 999% इसको करती हूँ, 1% तुझे करती हूँ। ठीक, मैं इस घर से ही छोड़कर जा रहा हूँ। बता, ड्रामे बाज बच्चों को कोई ऐसे कितने परसेंट प्यार करता है? कोई ऐसे करता है? कोई प्यार ऐसे करता है जो बच्चे एक हो दो हो उनको छाला छाला पूरा 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 प्यार करते हैं, दोनों को बराबर बराबर करते हैं, किसी को कम नहीं करते भाई। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये फोक के नीचे करो, ये देखो ये फ्रॉक डाल के लेटी है, ये देखो। नोनी नोनी बेटी है ये तो नाई नाई करके छो गई थी और छो के भी उठ गई हूँ मैं। हाँ, जागती रहेगी और जब मुझे उठना होगा 4 बजे तो 4 बजे ये सो जाएगी। ये हाल है इसके, मतलब बच्चों के साथ लेकिन काम करने देती। और बस मेरा यही मन था, जो मैं आराम से सो भी जाती हूँ, सुबह भी लेट उठ जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से तो अभी आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल स्टार्ट है। उसके बाद तो काम। उसके बाद सुबह भी जल्दी उठना, रात को ये नहीं सोती, 12 तो है ही इसका फिक्स टाइम, उससे पहले कभी ही होगा कभी जो ये सो जाएगी 11 बजे, अदरवाइज ये 12 बजे से पहले तो सोती ही नहीं है। फिर उसके बाद सुबह भी जल्द, और उसके बाद क्या, सुबह जल्दी उठना है, अभी नब कल टिफिन वगैरह तैयार करना होगा,
खाना पीना बना के इसका, तो उसके बाद मैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए जाऊंगी। और बीच में ये भी उठ जाती है उसी टाइम, इसकी ये भी कितने बजे, 5 बजे, कभी 6 बजे उठ के बैठ जाएगी। भाई तो 6 बजे उठता है। हाँ, और फिर उसके बाद अभिनव को दोपहर को 2 बजे लेके आना स्कूल से। लाइफ बस पता नहीं क्या होने वाला है। दादी आ गई, 2 बज गए तो अब आए हैं मम्मी दवाई लेके। तो बस अप्रैल से जो मेरी अच्छी खासी वाट लगने वाली है। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।